सो हे गाइस, वेलकम बैक। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं इस बार एक नई स्ट्रेटजी के साथ, एंड इससे हम लोग अभी अटैक करने वाले इस वीडियो में, वीडियो में यही स्ट्रेटजी से करेंगे अटैक। एंड यहाँ पे बहुत मजा आएगा एक्चुअली। आप यहाँ पे आर्मी कंपोजिशन देख लो, 8 एथको एक्सपेल के साथ यहाँ पे 5 सुपर विच है एंड सीसी। एंड हम लोग सीज मशीन की बात करूँ तो आपको बताऊँगा कि मैं सीज बराक यूज़ करने वाला हूँ, तो अभी पता नहीं कैसे अटैक होने वाले। लेट्स सी, अब हम इस बार मार्केट में नई स्ट्रेटजी के साथ उतरे हैं। वैसे आप एक्चुअली मुझे बूस्ट पे ध्यान देना है, 40 मिनट्स का बूस्ट है जो कि मैं बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहता। सीधा हम लोग अटैक्स की तरफ बढ़ेंगे और भाई देखेंगे कि कैसे होगा अटैक। एंड अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ देख लेना, मेरा मतलब है लाइक सब्सक्राइब कर देना उसके बाद, एंड प्लीज़ एंड तक देखना वीडियो, ठीक है। मैं ये आपको बोलता हूँ एंड बहुत सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताता हूँ वीडियो में, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, यहाँ पे देख लो पहला वाला बेस हमको मिल गया एंड ये बहुत ही एकदम अच्छा लग रहा है यार। ये बेस फुल मैक्स आउट है एंड इस पर ट्राई करेंगे विथ सिंगल इन्फर्नो से भाई, तीनों के तीनों। तो क्या हमारी विच बच पाएगी सिंगल इन्फर्नो के सामने, पता तो चल जाएगा, अभी समय बताएगा। अब मैं कैसे बताऊँ, अब यहाँ पे देखेंगे कि फनल हमको करना है पहले वार्डन और इससे हीलर्स है। एंड मुझे लग रहा है 4 o'clock से सही होगा जाना। एंड अर्थक्वेक स्पेल भाई यार, एक सुपर वॉल ब्रेकर की ज़रूरत पड़ने वाली है मुझे ऐसा लग रहा है इस आर्मी में, लेकिन चलो ठीक है भाई, बनाइए तो अभी इसी से करेंगे। ये गए अर्थक्वेक स्पेल के साथ यहाँ पे वार्डन एंड फिर उसके बाद यहाँ पे हीलर्स सारे के सारे, और अभी बस देखा जाएगा कि कैसे होने वाले। एक पात तो मिल गई है और 4 अर्थक्वेक स्पेल में डाल लूँगा टाउन हॉल के ऊपर। एक यहाँ पे विच चली गई सुपर विच, एंड बिग बॉय जल्दी आगे चले जाए यार वरना विच मर जाएगी। नहीं, मरने नहीं देंगे हम लोग विच को। गोलम, फिर उसके बाद यहाँ पे सीज बैरक पेक्का चले जाए आगे तो अच्छा होगा, फिर सारे की सारी विचेस। एंड वार्डन चले आ जा भाई ऊपर आ जा, तेरा काम ये नहीं है कि भाई तू अलग अलग तरीके से जाए। एंड यहाँ पे अभी देखेंगे कि कैसे होगा रेज, यहाँ पे मैंने पहले डिप्लॉय कर दी है और अभी चारों के चारों अर्थक्वेक्स पहले यहाँ पे डाल देता हूँ। थोड़ा लेट हो गया मुझे ऐसा लग रहा है, बस आर्मी भटक ना जाए यार, चिंता उसी की हो रही है मुझे। एंड चलो स्कैटर शॉट को भी अच्छा डैमेज मिला, ओ भाई किंग की एबिलिटी। एंड एक ला यहाँ पे रेज पहले, तो वो मैं कहाँ डालूँ, ओके यहाँ पे डाल देना चाहिए मुझे ऐसा लग रहा है यार। टाउन हॉल अभी तक नहीं मिला, अभी मिल जाएगा आई थिंक सो। विजार्ड निकाल दो टाउन हॉल को, ओके चलो। टाउन हॉल का ज़्यादा डैमेज किसी ने कोई नहीं लेगा, एक विजार्ड ने ले लिया बस और अपनी जान गवा दी टाउन हॉल तोड़ के। और यहाँ पे एक लास्ट हमारे पास ये बची है पॉइजन, तो पॉइजन हम यहाँ पे कर देंगे। एंड एक लास्ट इन्फर्नो बचा है, ओ भाई भाई भाई, ईगल निकालने के लिए एक एटी यहाँ पे चला गया, चलो ये बहुत अच्छी बात है। एंड आई थिंक सो ये अटैक फेल होगा, मुझे ऐसा लग रहा है फेल होगा क्या। अब ये तो विचेस ही बताएगी हमको कि क्या करेगी विचेस, इतना दौड़ रही है बेस पे इधर उधर से। बिग बॉयज़ कितने बचे भाई, बिग बॉयज़ नहीं बचे, आई थिंक एक ही बचा है, एक दो है, अच्छा तीन है शायद से, नहीं पता। अच्छा ठीक है, अभी यहाँ पे सिंगल इन्फर्नो को ले लिया भाई विच ने, एकदम से उड़ा दिया उस एक झटके में। एंड यहाँ पे रॉयल चैंपियन ने देखो बहुत एकदम मेजर रोल यहाँ पे दिखाया इस अटैक में। एंड ये हो जाएगा अभी 3 स्टार, अभी कुछ बचा नहीं है, टाइम का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 1 मिनट के अंदर तो इतनी बिल्डिंग्स स्टोरेजेस है एक्चुअली, तो स्टोरेजेस तो थोड़ा टाइम लेंगे। अब तो पता नहीं क्या होने वाला है, इस पर 3 स्टार हो जाएगा या फिर टाइम फेल, क्या लगता है आपको। ओके बिग बॉय से यहाँ पे बचे यार, मस्त से मज़ा आ गया यार ये अटैक करके एक्चुअली। थोड़ा पहला अटैक था तो यहाँ पे मोटिवेशन मिला मेरे को, ठीक है ये समझ लो, और आप भी ज़रूर ट्राई करना। वैसे हाँ गाइस, वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोग प्लीज़ मुझे ना आर्मी बताते जाओ। एंड अगर आपको किसी कोई भी मतलब टाउन हॉल पे एक एकदम मस्त आर्मी होगी ना, वो आप मुझे बताओ। अगर आप कोई चाहते हो कि मैं उसे यूज़ करूँ और आप तक दिखाऊँ कैसे करना है अटैक्स, मुझे भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि मैं भी अभी सीख रहा हूँ, लर्निंग मोड पे हूँ। एंड बस यही मैं बोलना चाहता हूँ, जिसके लिए जो स्ट्रेटजीज आप चाहते हो वीडियो बनाओ वो मुझे आप कमेंट करके बताओ एज पर टाउन हॉल ऑल्सो, ठीक है, मैं ज़रूर उसके बारे में सोचूंगा। एंड यहाँ पे लूट हमको प्रॉपर मिल गई है 1 मिलियन दोनों मिला के। एंड अभी हम लोग सीधा अगला अटैक की तरफ बढ़ते हैं। सो वेलकम बैक गाइस, एंड ये वाला बेस यहाँ पे देख लो, मस्त लूट है। एंड अभी यहाँ पे क्या इस पर हम करें, क्या कर लेते चलो ठीक है, एकदम मस्त हार्ड बेस, वॉर बेस टाइप लग रहा है ये वाला, और करना तो चाहिए अभी भाई, समझेगा तब भी, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तभी पता चलेगा कि विचेस क्या कितना पावर दिखा सकती है अपना और कितना टिक सकती है, यह हमको अभी पता चलेगा। बस मैं एग्जीक्यूट प्रॉपर करूँगा तो ही होगा 3 स्टार, वरना भाई ऐसे ही इधर उधर डाल लूँगा तब थोड़ी होएगा, तो फिर मैं थोड़ी विच पे नाम लगा सकता हूँ कि वही विच ने नहीं किया, सुपर विच ने नहीं किया। तो यहाँ पे मेरा प्लान ये है ना कि यहाँ पे प्लान तो कुछ है नहीं, जैसे देखते हैं अभी विचेस को मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से ऊपर से अंदर डाल दूँ, बट 2 कंपार्टमेंट में घुस सकती है आई थिंक सो। चलो अभी पता चल जाएगा हमको। एंड ये सारे के सारे विचेस गए, और ओ शिट यार थोड़ा प्रॉब्लम हो गया,
किंग की एबिलिटी हमने दे दी गलती से, और यहाँ पे क्वीन गोलेम भी गोलेम वेट गोलेम भी हमने लेट कर दिया है। क्या करूँ अभी, यहाँ पे गोलेम डालूँ या फिर थोड़ा होल्ड करते हैं अभी। अब थोड़ा लेट हो ही गया तो होल्ड ही मार देते, क्योंकि यहाँ पे कोई ज़्यादा है ही नहीं भाई, गोलेम तो पीछे रह जाएगा। रुको रुको रुको, एक रेज स्पेल यहाँ पे डाली है, तो रेज स्पेल के अंदर तो पेक्का ही घूम रहा है, बस पेक्का मजे ले रहा है रेज स्पेल के अकेले, और बाकी ट्रूप तो देख ही नहीं रहे भाई क्या कर क्या रहे हो। यहाँ पे आप सारे के सारे अर्थक्वेक स्पेल्स एंड यहाँ पे गोलेम, मुझे ऐसा लग रहा है नीचे से डाल देना चाहिए, क्योंकि वो अंदर जाएगा इन्फर्नो अगर पकड़ लेना गोलेम को तब मस्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि ये वाला मूव क्या हमारा काम करेगा। वार्डन की एबिलिटी हमने अभी तक बचाई है, और ऊपर के बेस पे तो यटीज़ भाई देखो कितनी जान है यटीज़ में, अकेले भिड़ने जा रहे टाउन हॉल से, बेचारे मर जाएंगे। देखते हैं अभी क्या होगा। यहाँ पे वार्डन की एबिलिटी में थोड़ा सेव कर रहा हूँ, आई थिंक सो कि ये अटैक नहीं हो पाएगा। यार ये क्या कर दिया हमने, होगा होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस हम लोग रखते हैं और देखेंगे। एक रेज स्पेल मुझे ऐसा लग रहा है ना यहाँ पे डालनी चाहिए, और ये चली गई मेरी रॉयल चैंपियन। भाई रॉयल चैंपियन इस बार भी निकाल दे भाई, 3 स्टार निकाल के दे दे। ओके यहाँ पे रेज, चलो चलो चलो, टाइम बचाना है हमको। वार्डन की एबिलिटी भी मैंने यहाँ पे दे दी है। बिग बॉयस कम ऑन बिग बॉयस। यहाँ पे ये कहाँ से आर्मी चली जा रही है भाई, पूरा एकदम चक्कर काट के एकदम टाउन हॉल के पास जा रही है। अभी दर्शन मिलेगा टाउन हॉल का, ठीक है। अभी पता नहीं बच पाएगी या नहीं, थोड़ा डाउट लग रहा है। ओके यहाँ पे एबिलिटी में मस्त एकदम एक्सबो को भी डैमेज किया है, बहुत सारे डिफेंसेस यहाँ पे एकदम लो हेल्थ में चल रहे हैं, और यहाँ पे विचेस बची है। विचेस थोड़ा सा अगर स्पीड बढ़ाती ना तो बहुत, ये एक मिनट रुक जाएगा, इसे हम ना फायदे में चल रहे हैं। एक्चुअली एबिलिटी हमारे पास क्वीन की, तो आई थिंक सो निकाल सकते हैं हम लोग इस बेस पे। एक विच लास्ट बची, चलो ये एटलीस्ट जा रही है एक्सबो के पास। ओके ओके ओके, यहाँ पे टाउन हॉल मिल जाएगा हमको क्वीन से, और यहाँ पे एबिलिटी डाल दी मैंने क्वीन की। चलो जल्दी जल्दी, अभी हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं बचा। 13 सेकेंड, 12 सेकेंड, 11 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5। ओ भाई, भाई 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 क्या हो रहा है यहाँ पे, टाइम फेल होगा। ओ शिट, बस 3 सेकेंड, 3-4 सेकेंड ज़्यादा मिल जाते तो ये 3 स्टार हो जाता। चलो कोई दिक्कत नहीं, अगला अटैक की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे गाइस देख लो, एक अच्छा वाला बेस मिला, वो भी बहुत टाइम सर्च करने के बाद जाके मिला है, एंड आर्मी में हमने कुछ चेंजेस नहीं किया। चलो ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग ऐसे ही लेके जाएंगे और इसी से देखते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम होगा शायद से हमको। एंड इस वाला अटैक में सारी की सारी मेजर चीज़ें मिडल में, तो पहले हम लोग फनल बना लेंगे वार्डन से, एंड फिर सारे के सारे अर्थक्वेक स्पेल पहले 4 डालूंगा मैं टाउन हॉल के ऊपर, एंड फिर उसके बाद वो स्कैटर शॉट और इन्फर्नो के यहाँ पे, ये मेरा प्लान है। एंड एक विच सुपर विच डाल देता हूँ ताकि फनल हो जाए। एंड किंग डालने की ज़रूरत है क्या, किंग डालने की ज़रूरत मुझे ऐसा लग तो नहीं रहा है, क्या है, डालना चाहिए आई थिंक सो। चलो किंग सुपर विच हमने आई थिंक एक सुपर विच गवा दी हमने जल्दी से, फनल के चक्कर में हमारी एक सुपर विच का मतलब वो हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे सारे ट्रूप्स एटलीस्ट मिडल में जाए। एक रेज स्पेल हमने डाल दी ताकि जल्दी वॉल के अंदर घुस के टाउन हॉल को उड़ा दे, और फिर यहाँ पे अभी मुझे ध्यान देना है वार्डन की एबिलिटी के ऊपर। अभी मैं पॉप कर देता हूँ, चलो यहाँ पे वार्डन की एबिलिटी चली गई, क्योंकि अभी सारे ट्रूप्स अंदर एकदम कोर में चले जा रहे, मेजर डिफेंस को झेलने वाले, तो वो उस पावर हमने दे दी वार्डन की एबिलिटी। और यहाँ पे दूसरी भी रेज स्पेल हमने डाल दिया। अब यहाँ पे ओके ओके चल रहा है यहाँ पे अटैक फिलहाल। तो विजार्ड्स यार बहुत ही सही काम करते हैं यार, ये जो 13-14 विजार्ड्स निकलते हैं ना, मस्त मज़ा आता है देखने को उनको रेज में जब आ जाते। तो ओके यहाँ पे वॉल्केरी भी है हमारी, देखो कैसे इन्फर्नो को मार रही है, एंड लगभग यहाँ पे सही है, ये चला गया आरसी यहाँ से। ये अटैक थोड़ा प्रॉमिसिंग लग रहा है मुझे आई थिंक सो, क्योंकि यहाँ पे विचेस बहुत सारी है। ओ शिट ये क्या हो गया, यहाँ पे हिलर्स भी बचे, चलो ये भी सही बात है, अच्छा है ये भी, और इससे अच्छी और चीज़ें बहुत अच्छी हो रही है यार वैसे आजकल, क्या मतलब हो क्या गया है। और यहाँ पे हमारे पास दोनों की एबिलिटी बची है, क्वीन की और उसके साथ रॉयल चैंपियन की, तो ये वाला इजीली निकाल दिया यार हमने, वैसे सोचा नहीं था इतना इजीली निकलेगा। 1 मिनट का टाइम पूरा का पूरा हमने बचा के, स्वैग वैग भी मार सकते हैं, ठीक है, नहीं स्वैग नहीं मारेंगे यार, स्वैग नहीं मारेंगे, जल्दी ख़त्म कर देंगे ठीक है, क्योंकि अगले वीडियो की भी तैयारी भाई जल्दी से कर दो ठीक है। एंड आई होप कि अगर आपको पसंद आ रहे अटैक्स, सजेशन दो आपके कि आप क्या मतलब आपकी राय है, एंड आप आर्मी बता देना, टाउन हॉल बता देना कि इस पर आप देखना चाहते हो अटैक्स, एंड लाइक कर देना अगर आपने नहीं किया हो अब तक, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अगर आप पहली बार आ रहे हो चैनल पे, नीचे आपको रेड कलर का बटन दिखेगा भाई, दबा दो यार जल्दी से, और बेल आइकन दबाना ठीक है। एंड 1,45,000 पे
दो गोल्ड पास के गिव अवे है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, भूलना मत, सब्सक्राइब करके रखो भाई, फायदे में रहोगे, ठीक है। तो अभी हम लोग यहीं पे एंड कर देते हैं वीडियो, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।